उत्तर प्रदेश में जहां पूरे देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा था, तो वहीं लखीमपुर खीरी जिले के निघासन कोतवाली की पुलिस ने पत्रकार के साथ बर्बरता की हदें पार कर दी। थर्ड डिग्री देकर बेरहमी से पिटाई कर दी। पत्रकार ने सीओ से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। आपको बताते चलें, दरअसल कोतवाली क्षेत्र के लुधोरी निवासी विकास दीक्षित अटल नाम के पत्रकार को पुलिस ने पत्नी के मामूली विवाद के आरोप में घर से पकड़कर थाने लेकर गए और वहां जमकर पिटाई कर दी। इस मामले में आक्रोशित ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के संगठन के माध्यम से मितौली तहसील के पत्रकारों द्वारा उप जिला अधिकारी मितौली के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देकर पत्रकारों ने कार्रवाई की मांग करते हुए सीवीसी आईडी जांच की मांग की है। ये विकास दीक्षित जो पत्रकार निघासन में पुलिस द्वारा जो पिटाई की गई है, उसकी हम लोग घोर भर्त्सना करते हैं और दोषी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किए जाने की मांग करते हैं। बाद में जो निघासन पुलिस के द्वारा पत्रकार विकास दीक्षित के साथ थर्ड डिग्री देने का काम किया गया है, उसकी पत्रकार जगत घोर निंदा करता है और आज देश के पत्रकारों में आक्रोश है, पत्रकारों में उबाल छाया हुआ है। यदि दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है। और निघासन पुलिस द्वारा जो विकास पत्रकार है, विकास उनके साथ घोर पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया गया है, उसके संदर्भ में एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा है और पत्रकार जगत में उस घोर निंदा कर रहा है पत्रकार जगत। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।